दलित शोषण मुक्ति मंच ने सभी एससी और एसटी के 20 विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि वो उनकी मांगों को विधानसभा में उठाएं। दलित शोषण मुक्ति मंच ने आरोप लगाए हैं कि सरकार सरकारी अर्ध सरकारी स्थायी नौकरियों का स्वरूप बदल रही है। सरकार द्वारा पार्ट टाइम अनुबंध ठेके आउटसोर्स स्कीम वर्कर्स पीटीए एसएमसी व पंचायत स्तर पर अलग अलग रूप में भर्तियां की जा रही है। इन भर्तियों में आरक्षण लागू नहीं किया जाता। सरकार संविधान द्वारा दलितों के लिए दिए गए अधिकारों का हनन कर रही है, जिसके खिलाफ दलित इकट्ठे हुए हैं। 14 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेजा गया है। दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक जगत राम ने बताया कि एससी एसटी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 85वें संविधान संशोधन के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। एससी एसटी कंपोनेंट प्लान के मुताबिक अनुसूचित जाति की संख्या के आधार पर बजट नहीं दिया जाता। इस तरह सरकार बड़े पैमाने पर दलितों का शोषण कर रही है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया है, जिसमें मांग की जाएगी कि एससी एसटी के लिए सभी प्रकार की नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाए, दलितों की हत्याओं, सामाजिक भेदभाव, छुआछूत जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के कानून 1979 को सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा करसोग में विमला देवी की हत्या के बाद उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, निरवा में सत्या देवी की पेंशन बहाल की जाए, कुमारसेन में मीनाक्षी देवी के बिलों का भुगतान किया जाए, अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर हितों की रक्षा कर रही होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख आबादी दलितों की है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो विधानसभा के संचालन में विधानसभा के अंदर दलितों की समस्याओं पर उनकी मांगों पर कभी कोई विचार विमर्श नहीं होता। आज हम ये कहने के लिए आए हैं और जो 20 विधायक दलित आरक्षित सीट से है उनको हमने ज्ञापन दिया है कि दलितों की मांगों को आप विधानसभा के अंदर उठाओ और बाहर आकर जो दलित लोग यहाँ पर आए उनको बीच में भी अपनी बात स्पष्ट करो कि आप क्या इसके साथ खड़े हैं या दूसरी तरफ खड़े हैं, तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन लोग आज हमारे बीच आएगा और कौन कौन लोग जो है अंदर दलितों की मुद्दों को उठाते हैं। तो आज जो पहली बार दलित समुदाय अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आया है, हम ये कहने आए हमारी मांगे पूरी करनी होगी, ये जातिगत भेदभाव खत्म करना होगा, यह आजादी के 73 साल बाद भी जो जातिगत उत्पीड़न है ये अपने आप में चिंता की बात है। सरकारों ने जानबूझकर इसको वोट बैंक बना के रखा और इसको जाति को खत्म करने के बजाय उसको फलने फूलने का सारा जमीन तैयार की है। तो आज यही सरकार को हम कहने आए हमारी मांगे मानो। अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अभी मालूम पड़ा है कि वो जो उन्होंने कहा है कि विधानसभा में हम मिल नहीं सकते, आप घर में आकर मिलिए, शाम को हम जाएंगे। ये जो 14 सूत्री मांग पत्र हमने बनाया है एक एक पे चर्चा करेंगे, नहीं मानेंगे तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। इसके बाद हर जिला पर हर ब्लॉक स्तर पर जो है हम जो है ये प्रदर्शन करेंगे, जो भी विधायक जाएगा जो भी मंत्री जाएगा उसका घेराव करेंगे, पूछेंगे बताओ दलितों के बारे में क्या तुम्हारी राय है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनको लेकर यहाँ पर आए हैं। इसके साथ अपनी बात हम यहाँ खत्म करते हैं।